गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज एक बार फिर से हाजिर हुए एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को एंजॉय करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम लोग दिल्ली के कुतुब मीनार को घूमने आए हैं और साथ में आप लोगों को भी इसकी सैर कराएंगे। सबसे पहले आप दिल्ली में जहाँ कहीं भी हों दिल्ली मेट्रो पकड़कर कुतुब मीनार स्टेशन आ जाएं। कुतुब मीनार स्टेशन पहुँचने के बाद ही स्टेशन के बाहर शेयरिंग वाली ऑटो मिल जाएगी जिसका चार्ज 10 से 15 है, जो आपको कुतुब मीनार पहुंचा देगी। कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है। सामने देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत और तकरीबन 1000 साल से ऐसे ही शान से खड़ा कुतुब मीनार, जिसे उस समय के बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ठीक उसी के बाजू जो सामने वाली बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग मस्जिद है, जिसे कुव्वते इस्लाम मस्जिद कहा जाता है। और आजू बाजू आप यहाँ पर हरियाली भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुल इस्लाम मस्जिद की हिस्ट्री लिखी हुई है जो आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर चलते हैं और देखते हैं ये मस्जिद किस टाइप की बनी है और कितनी खूबसूरत है। मीनार के पास ही यह मस्जिद है और यह मस्जिद भारत की पहली कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है। ऊपर आप पत्थरों पर जो डिज़ाइन बारीक से बनी है, वो सोचने पर मजबूर करती है कि 1000 साल पहले कैसे बिना मशीनरी के ये सब डिज़ाइनें इतनी खूबसूरत कैसी बनी होगी। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं जो बरामदे बने हैं और जो खंबे बने हैं, कितनी बारीकी डिजाइन बनी हुई है और कितना खूबसूरत लग रहा है, और जो कि अभी खंडहर बन चुका है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद विश्व की एक भव्य मस्जिद मानी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1193 में इसका निर्माण शुरू कराया और 1197 में मस्जिद पूरी हो गई। साल 1230 में इल्तुतमिश ने और 1315 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस भवन का विस्तार कराया। सामने आप देख सकते हैं मस्जिद के आंगन में एक लोहे का खंभा बना हुआ है जो कि 7 मीटर ऊंचा है। कहा जाता है कि अगर आप इसके पीछे पीठ लगाकर इसे घेरा बंद करते हो तो जो आपकी इच्छा होगी पूरी हो जाएगी, और इसकी हिस्ट्री भी यहाँ पर लिखी हुई है। मुझे सबसे ज्यादा और सबसे खूबसूरत यहाँ पर दीवारों पे बने जो बारीक और नक्काशीदार डिजाइन लगे, बहुत यूनिक लगे, बहुत अलग लगे हैं। जितने भी मैंने फोर्ट वगैरह देखे हैं, उन सबसे हटकर यहाँ पर जो नक्काशी की गई है वो यहाँ पर देख सकते हैं। देखो यहाँ पर खंबे पे जो नक्काशी की गई है, कितनी बारीक और कितनी प्यारी की गई है, जो कि आज भी इसको बनाना असंभव लगेगा। अगर हम बात करें कुतुब मीनार के हिस्ट्री के बारे में, तो लोग बताते हैं कि दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक की पराजय के तत्काल बाद 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे 73 मीटर ऊंची विजय मीनार के रूप में बनाया गया था। इस इमारत की 5 मंजिलें हैं, प्रत्येक मंजिल में एक बालकनी है। इसका आधार 1.5 मीटर व्यास का है, जो धीरे धीरे कम होते हुए शीर्ष पर 2.5 मीटर का व्यास रह जाता है। और पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से बनी है और चौथी तथा 5वीं मंजिलें मार्बल और बलुआ पत्थरों से बनी है। कुतुब मीनार के निर्माण की कहानी में बड़ा मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि इसे विजय की मीनार के रूप में भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, और कुछ मानते हैं कि इसका निर्माण मुअज्जिन के लिए अजान देने के लिए किया गया। बहरहाल इस बारे में लगभग सभी एक राय है कि यह मीनार भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेहतरीन स्मारक है। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में इसके निर्माण कार्य शुरू कराया, किंतु वे केवल इसका आधार ही पूरा कर पाए थे। इनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलें बनवाई और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। ऐबक से तुगलक काल तक की वास्तुकला शैली का विकास इस मीनार में साफ झलकता है। प्रयोग की गई निर्माण सामग्री और मेंटेनेंस मटेरियल में भी विभेद है। 238 फीट ऊंचा कुतुब मीनार का आधार 17 फीट है और इसका शीर्ष 9 फीट का है। मीनार को शिलालेख से सजाया गया है और इसकी 4 बालकनी है।
परिसर के खंडहरों में भी कुवते इस्लाम मस्जिद विश्व की एक भव्य मस्जिद मानी जाती है। और यहाँ जो कुतुब मीनार का परिसर है, आपको बहुत सारी बिल्डिंग खंडहर के रूप में देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। देखो ये पीछे वाला हिस्सा है कुतुब मीनार का, जो कि खंडहर में तब्दील हो गया और बहुत ही यूनिक बिल्डिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में खंडहर है, लेकिन फिर भी खूबसूरत लग रही है और इसको मेंटेन वगैरह भी किया गया है। और यहीं पर आपको दिखानेंगे ये आगे जो है, आगे आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है, जो कि आप सामने वीडियो में देख सकते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है जो कि खंडहर में तब्दील हो गई है, लेकिन फिर भी इसका वजूद बचा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारी मूवी में यहाँ की सीन देखने की मिली होगी। आपको फना में जो गाना होता है वो यहीं पर शूट किया गया होगा। अगर आपने वो मूवी देखी है तो ये खंडहर आपको वहाँ पर समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर बहुत से लोग आकर इंजॉय करते हैं, घूमते हैं, पिकनिक मनाते हैं, तो बहुत ही प्यारी जगह है। और बहुत ही हरियाली का भी ध्यान दिया गया है, कहीं से भी आपको यहाँ पर बोरिंग फील नहीं होगी। सब कुछ आपको यूनिक देखने को मिलेगा, सब कुछ खूबसूरत देखने को मिलेगा, सब कुछ खूबसूरत है यहाँ पर। कुतुब मीनार के बाजू में है ये गार्डन बना हुआ है, जहाँ से कुतुब मीनार का व्यू दिख रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन बनाया गया है, जहाँ पर तरह तरह के पेड़ वगैरह लगाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से कुतुब मीनार का भी आता है। देखो कितना प्यारा नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो शाम का टाइम जो होता है, यहाँ पर फैमिली वगैरह बैठकर अपना पिकनिक वगैरह खाना वगैरह भी खाती है, यहाँ पर बहुत ही इंजॉय करती है यहाँ पर। अब हम आप लोगों को लेकर चलते हैं कुतुब मीनार के राइट साइड वाले एरिए में, जो कि वहाँ पर बताते हैं कि इल्तुतमिश ने वो सारी बिल्डिंगें बनवाई है। ये वाला एरिया जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही मौसम भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए और भी अच्छा व्यू आ रहा है। तो यह ये बहुत ही प्यारी जगह है और बताते हैं कि ये सारा एरिया इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हिंदुस्तान के बादशाह बने हैं। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, आप लोगों को वहाँ पर लेके चलते हैं, जो कि हिंदुस्तान के मुस्लिम शासक के दूसरे बादशाह बने थे इल्तुतमिश, उनकी ये मकबरा है, यहाँ पर इनकी कब्र है। तो सामने बीच में इनकी कब्र बनी है, जो कि संगमरमर से बनी हुई लग रही है और चारों तरफ से दीवारें गेट वगैरह बनी है और दीवारों पर बारीक नक्काशी की गई है, कुरान की आयतें भी लिखी हुई है। तो ये थी सारी कुतुब मीनार के परिसर में जितने भी बिल्डिंग वगैरह थी, सब हमने इस वीडियो में दिखा दी, उसकी हिस्ट्री बता दी। और इसी के साथ उम्मीद भी करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे।